वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बात करेंगे कि पुणे यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जहाँ पे ये सब बातें चल रही हैं कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं होने चाहिए, फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल होने चाहिए, वहीं पे पुणे यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया कि जो फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द 16th of July और वो पेन एंड पेपर मोड में होंगे। तो ये चीज़ पुणे यूनिवर्सिटी ने बोली है, जिसको हम बोलते हैं सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, SPPU और पुणे यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ये बोल दिया है कि स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस है जो पढ़ना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए इस साल। तो यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड कर रही है कंडक्ट करेगी एग्जाम्स फॉर द अंडर ग्रेजुएट नॉन प्रोफेशनल कोर्स कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट सिलेबस। तो मीनवाइल जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर्स के ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स के, बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड द ग्रेजुएट के, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट्स के, उनको स्टडी करना पड़ेगा 60% ऑफ देयर सिलेबस, है ना। और ईच प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्स एग्जामिनेशन वुड कम्प्राइज ऑफ 50 मार्क्स। मतलब जो प्रोफेशनल कोर्स है, नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, वो 50 मार्क्स का पेपर होगा। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको 60% ऑफ द एग्ज़ाम्स, मतलब अपना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम्स है 50 मार्क्स का होगा, टाइम होगा उसके लिए 1.5 आवर्स। जिनकी बैकलॉग्स है, जिनको अपनी बैकलॉग्स क्लियर करनी है, उनको भी अपना एंटायर सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और उनका भी पेपर 50 मार्क्स का होगा और उनका टाइम शेड्यूल भी 1.5 आवर्स का होगा। बैकलॉग्स के पेपर होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, वो होंगे फ्रॉम July 1 to July 15, एंड रिमेनिंग एग्ज़ाम्स होंगे जो वो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंडक्ट किए जाएंगे। जो प्रो वाइस चांसलर हैं NS उरमानी, उन्होंने जब टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करी तो उन्होंने ये बोला कि जो फाइनल ईयर्स के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस कंसीडर किया जाएगा टिल March 14 फॉर द एग्ज़ाम्स। मतलब 14 मार्च तक जितना पढ़ाई हुई है उतना तक ही एग्ज़ाम्स होंगे उनका। तो सेम वुड बी अप्लाई फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए। तो मोर ओवर जो पुणे यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवा रही है एग्ज़ाम्स को इन पेन एंड पेपर मोड के लिए। जो आउट स्टेशन के लिए इन्होंने ये बोला है, जो आउट स्टेशन है बच्चे, मतलब जो सिटी में नहीं है उस टाइम, तो उनको एग्ज़ाम्स में अपियर होने के लिए 120 डेज दिए जाएंगे। मतलब करीबन करीबन 4 महीने उनको दिया जाएगा ताकि वो एग्ज़ाम्स में अपियर हो सकें। तो ये था आज की न्यूज़ में कि पुणे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करो, जो स्पेशली पुणे में रहते हैं उनके साथ ये शेयर करना।